हाय, मैं हूँ रुंजुन सीजन विद सॉल्ट.इन से। आज की मेरी रेसिपी है मसालेदार अरवी। अरवी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कटी हुई अरवी, दो टमाटर, दो प्याज, 5 टेबलस्पून तेल अरवी तलने के लिए और बाद में मसाला भूनने के लिए, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 कलियां लहसुन की, गार्निश करने के लिए हरा धनिया, आधा टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले अरवी तल लेंगे। उसके लिए गैस ऑन करके उस पे एक फ्राइंग पैन रखें और उसमें तेल डालें। गैस की आंच बढ़ा दे ताकि तेल जल्दी गर्म हो जाए। अरवी को मैंने धोकर छील लिया है और फिर इसको 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट लिया है। तेल गर्म हो चुका है तो अब आंच धीमी कर देंगे। फिर इसमें एक अरवी का टुकड़ा डाल के देखेंगे कि तेल अच्छी तरह गर्म हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि अच्छे बबल्स आ रहे हैं, तो हम इसमें अरवी के टुकड़े डाल देंगे। अरवी डालते समय ध्यान रखें कि गरम तेल के छींटे आप पे ना उड़े। हम सारी अरवी एक साथ नहीं तलेंगे ताकि तेल ज्यादा ठंडा ना हो जाए। अरवी को धीमी आंच पर तले जिससे वो अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने लगी है तो अब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से भी सुनहरा होने तक तल लेंगे। अरवी इतनी लोकप्रिय सब्जी नहीं है। लोगों को लगता है कि ये बनाना मुश्किल होता है, पर एक्चुअली इसे बनाना काफी इजी है। आप इसे कई तरीकों से बना सकते हैं। इसकी सूखी सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। उसकी भी रेसिपी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। आप ऊपर आई का सिंबल क्लिक करके उसे देख सकते हैं और उस रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब अरवी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो हम उसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब बाकी बची हुई अरवी भी हम इसी तरह तल लेंगे। हमारा दूसरा लॉट भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे। अरवी तल के तैयार है तो हम इसे साइड में रख देंगे और मसाला बनाने की तैयारी करेंगे। उसके लिए हम एक मिक्सर जार में प्याज, लहसुन और अदरक डाल देंगे। अदरक को छोटे टुकड़े करके डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह पिस जाए। इसकी पेस्ट बन चुकी है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम उसी जार में टमाटर की भी प्यूरी बना लेंगे। और उसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब जिस पैन में अरवी फ्राई की थी उसमें से थोड़ा तेल कम करके हम उसी में प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के भून लेंगे। इसे लगातार चलाते हुए तेल छोड़ने तक भून लें। अब आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह भून गया है तो अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसका पूरा पानी इवेपोरेट होने तक इसे पका लेंगे। टमाटर की प्यूरी भी अब पक चुकी है और तेल अलग हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे
हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और नमक। इसे अच्छी तरह मिला के 1 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसमें लगभग 1 कप पानी डालेंगे और मिक्स करके उबाल आने देंगे। आप ग्रेवी जैसी भी थिक या पतली चाहिए उस हिसाब से पानी डालें और उसे उबलने दें। जब ग्रेवी अच्छी तरह उबल जाए तब इसमें तली हुई अरवी मिला देंगे। अरवी मिलाने के बाद इसे 1-2 मिनट और उबलने देंगे जिससे मसाला अरवी में अच्छी तरह घुस जाए। गैस बंद करने से पहले हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। फिर इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ऊपर से हरे धनिए से गार्निश करेंगे। इसे गरम रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।